जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैंने लास्ट वीडियो में अपनी हमने बात की थी कि फौजी वाइफ्स को कैसे किस तरह से कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है, उठानी पड़ती है। और सिंस मैं फौजी की वाइफ हूँ तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इसके लिए। मेरी मैरिज हुई 20 जनवरी 1991 को और मैं एक सिविल वातावरण से आई हुई बेहद ही घरेलू इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। मुझे बस फौज में शादी करनी थी, क्यों करनी थी ये नहीं पता, शायद यूनिफॉर्म अच्छी लगती हो, आई डोंट नो, या उनका शौक, कुछ पता नहीं था। और फाइनली जो चाहा वो भी किया। पर सबसे फनी पार्ट थी कि इन्फेंट्री लाइफ क्या होती है, इतनी टफ लाइफ होती है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। और मेरी शादी के 2 महीने बाद फौज का मूवमेंट हुआ, फील्ड में जाने का आदेश हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाने के लिए यूनिट निकली। मैं भी अपने इन लॉज के साथ यूनिट अपने हस्बैंड को विदा करने स्टेशन पे ट्रेन लगी थी और मैं गई इन लॉज के साथ, सर पे पल्ला वल्ला लिया हुआ था मैंने और बहुत रोई। मुझे आज तक याद है, शायद उतना कभी ना रोई जितना पहली बार रोई थी। और भी लेडीज थी, उन्होंने मुझे संभाला। पर मैंने जो चीज़ नोटिस की वो नोटिस की कि ऑफिसर्स की आंखें नम थी, पर कहीं ना कहीं अपनी यूनिट के साथ का एक उत्साह था, अपने लोगों के साथ जाने का, अपने जवानों के साथ जाने का उत्साह था। और जवानों का जिक्र मैं इसलिए ज़रूर करना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि अफसर्स अपने जवानों को बेहद प्यार करते हैं। और बाकी का मैं कुछ और कहानियाँ बताऊँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में, उसका वेट करिए। सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।